इतनी ईर्ष्या, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाचक संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान और ये कहां ईर्ष्या खाने लगते। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग। नामदेव जी का तो आप लोग स्मरण करते ही हैं, संत नामदेव तो नामदेव बड़े विद्वान संत है और वो तो सोते थे भी तो बिठा। अब आग लग गई कुटिया में भयंकर आग। नामदेव जी उठे, उन्होंने देखा गजब की आग लगी है, उन्होंने पास वाला दरवाजा भी खोल दिया और हाथ जोड़ कर का घुस जा अग्नि नारायण, प्रवेश कर जा। गांव के लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कैसा पगला जैसा काम कर रहा, अरे बचा ले थोड़ा बहुत तो सामान बचा ले, निकाल ले बाहर। नामदेव जी कह रहे थे आई विठ्ठल विठ्ठल आई। लोगों ने हाथ हिलाकर पूछा नामदेव जी आग लगी है आग? नामदेव जी बोले आग नहीं लगी, विठ्ठल विठ्ठल प्रवेश करे। इतने में तो देखा तो पूरा घर जल रहा था, लोगों ने कह दिया ये तो पागल हो गया, इसको अब रात को ठंड पड़े तो एक कम्बल मत देना और गोदड़ी मत देना बिछाने के, ठंड में कुकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ जाए, पड़े रहने दो। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गाँव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया, नामदेव जी पड़े विठ्ठा विठ्ठा विठ्ठा। अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है। अपनी गाड़ी और बस में अंतर है। काबरा जी, अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो, और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ, किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर। अब अपन कहाँ आ गए? पंडर। किसका? हरि विठ्ठल का। किसको टेंशन? अपन तो आराम से शंकर का भजन करो, गाड़ी वाला पार कर देगा निश्चित। कभी भी बहुत दूर जाओ तो अपनी गाड़ी लेके मत जाओ, बस में बैठ के जाओ, चलाने वाला चलाएगा, अपन मूंगफली खाएगा, अपने कोई टेंशन। भगवान की कथा में जाओ, टेंशन मुक्त होकर जाओ। किसकी कथा में जा रहे हो? महादेव की कथा में। कहाँ जा रहे हो? पंडरपुर जा रहे हो। जब पंडरपुर आए हो, हरि विठ्ठल की कथा में आए हो, महादेव की कथा में, तो चिंता उसको। कल जब हम वहां गए हरि विठ्ठल जी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वहां पर ट्रस्टी अध्यक्ष जी से मिलना हुआ। उन्होंने कहा महाराज जी, पंडरपुर विठ्ठल मंदिर की ओर से आए हुए भक्तों के लिए भी हम लोग भंडारा, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं। हमने कहा हमारे बंडू भी आए हुए हैं जाधव जी, इन्होंने भी प्रसाद की व्यवस्था। उनका एक शब्द था अध्यक्ष जी का, विठ्ठल मंदिर के अध्यक्ष जी का, ट्रस्ट के अध्यक्ष का एक शब्द था। उन्होंने कहा महाराज जी, हमारे जो संत हैं वारकरी संप्रदाय के, वो संत उनके मुख से एक शब्द कहते हैं कि पंडरपुर में एक चावल का दाना भी अगर किसी को खिलाया है तो वो करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। ये वारकरी संप्रदाय के संत, हमारे यहाँ के साधु, हमारे यहाँ के संत कहते हैं महाराज, तो ये तो मिला है जो परमात्मा ने दिया, चिंता उसको। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे,
अब उसके ऊपर छोड़ दो, तो जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा तब दुनिया हंसती है, जब तुम्हारे पास में सब कुछ होगा तो दुनिया जलती है। और आपके दिल में अगर भगवान के प्रति, शिव पुराण के प्रति भक्ति है, आप रोज रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, तो आपकी भक्ति को देखकर दुनिया तरसती है कि वो भक्ति हमको चाहिए, वो भजन हमको चाहिए। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, सो रहे हैं आम के पेड़ के नीचे, तक किया भी नहीं कुछ। चिंता किसको, किसको चिंता लगी? विट्ठल हरि विट्ठल, करमट बदल गए। रुक्मणी जी ने हरि विट्ठल से कह दिया, मैं तुम्हारे पास रहते भी तुम्हारी नहीं, कभी हमारे लिए भी तो सोचा करो। जो पति बहुत व्यस्त रहता है उसकी पत्नी हमेशा एक ही इल्जाम लगती रहती है, तुम हमारे लिए भी तो सोचा करो। दिन भर सोशल वर्क करते रहते हो, दिन भर दुनिया का काम करते रहते, हमारे लिए भी सोच। लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी बाजू में खड़ी होकर रात को भारी विट्ठल कर्मठ बदल रहे, मेरे नारायण कर्मट बदल। रुक्मणी जी ने पूछ लिया, अब क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। रुक्मणी जी बोली, जिस दिन से पंडरपुर में आई हूं तुम्हारे साथ, आज तक नींद मुझे भी नहीं आई, ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। लोग कहते हैं सवेरे 4 बजे से रात को 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है, रुक्मणी जी कहती है आपका दरवाजा बंद ही कब होता है, बंदी कब होता है? कोई कहीं से आवाज लगा दे विट्ठल, उतनी देर में तो तुम खिड़की में से निकल के बाहर चले जाते। टेंशन हमको रहता गए कहाँ हैं, कभी संत तुकाराम जी क्या ढूंढती, कभी नामदेव जी क्या ढूंढती, कभी मुक्ताबाई क्या ढूंढती, कभी ज्ञानेश्वर क्या ढूंढती, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, मेरे पाँव में छाले हो गए, इसलिए आज से नियम बना लिया, तुम अलग कमरे में हम अलग कमरे में, टेंशन खत्म। अब जो तुम्हें बुलाए तुम दौड़ के चले जाओ। भगवान तुरंत, रुक्मणी जी ने पूछा हुआ क्या तुमको, भगवान बोले नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। तो पूछा लगाई किसने, लगी तो थोड़ी सी जगह में थी, पूरे में उसी ने लगा दी। तो अब तुम क्या करोगे जाके, रुक्मणी जी पूछ रही थी विट्ठल से, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी बस में बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, ड्राइवर तो मैं ही हूं, मंजिल तक तो पहुंचाऊंगा, तो करोगे क्या? भगवान बोले बस कुछ नहीं, एक मकान बना के आना है। आधी रात को सब सो रहा है, जहां पर नामदेव जी सोए वहां पर महल झोपड़ी बना दी, मखवल बिछा दिया, पलंग तकिया गादी मखवल के, खूब सुंदर झोपड़ी, एक नंबर का बंगला बना दिया। सवेरे लोगों ने सोचा चलो देख के आते नामदेव जी का हालत क्या, अब तो निपट गया होगा। जो नामदेव जी को देखने गए तो बेहतरीन बंगले में गादी तकिया पे बिठा, लोगों ने नामदेव जी को उठाया, उठो 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 नामदेव जी नामदेव जी नामदेव जी। नामदेव जी उठते से बोले क्या है, इतना जोरदार मकान किसने बनाया? नामदेव जी बोले मेरे रिश्तेदार आए थे। रिश्तेदार? हाँ। मिस्त्री है? नहीं। मकान तो अच्छा बनाया। उनने बनाया? हाँ। क्यों बनाया? आग लग गई थी तो दूसरा बना दिया। सब हाथ जोड़ के नामदेव जी से बोले, रिश्तेदार से कहके हमारा भी एक बनवा। नामदेव जी ने कहा अपने अपने घर में आग लगाओ, अब भी लगाओ अब भी बढ़ाए, बहुत जोरदार लगाओ तो सरी। फिर नामदेव जी बिट्ठा भरोसा दड़ी हो गया, विश्वास पक्का हो गया।